प्रोग्राम है कल सर, क्या सब तैयारियां हो रही है? सारी व्यवस्था सुनिश्चित की गई है, कहीं से किसी तरह का कोई समस्या नहीं है, युद्ध व्यवस्था की और सारी व्यवस्था है। कितने बजे कल आएंगे सर? 11 बजे का कार्यक्रम। सर आने का उद्देश्य क्या है सर? मीडिया से थोड़ा मुखातिब हुई मैडम, मुख्यमंत्री का आगमन है कल, क्या सब तैयारी हो रही है मैडम? तैयारी के रूप में यहाँ पे कमला नहर प्रमंडल जो जल संसाधन विभाग है उसकी तरफ से वहाँ इवेंट मैनेजर आया है, वह विभाग की तरफ से पंडाल मंच का कार्य कर रहा है जी। बैरिकेडिंग वगैरह का काम हमारे भवन प्रमंडल से मधुबनी से हो रहा है जी। बाकी यहाँ पे ज्वाइंट ऑर्डर निकल चुका है, सभी जगह हर एक पॉइंट पे मजिस्ट्रेट और फोर्स की प्रतिनिधि हो चुकी है जी। और हम लोग अभी तैयारी में हैं जी। अभी सीएम सिक्योरिटी लोग सिक्योरिटी के यहाँ से भी सभी लोग आ चुके हैं, एएसएल भी आ चुके हैं, सभी जांच पड़ताल अभी चल रही है। कितने बजे आएंगे कल? कल उनका जैसे प्रोग्राम है 10:50 का आसपास का प्रोग्राम। मैडम आने का उद्देश्य क्या है इनका? यह कमला बैराज का शिलान्यास है। शिलान्यास है, इसके अलावा भी और कोई है? नहीं, अभी तो कमला बैराज का शिलान्यास ही मुख्य कार्यक्रम वही है। मुख्य कार्यक्रम वही है, वहाँ ही रखे थोड़ा सा जनसभा को संबोधित भी करें। थैंक यू। कल के बाद जो करना है करता रहे। सर मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम है कल, सारी तैयारियां हो रही है, प्रशासनिक पदाधिकारी लोग यहां जुटे हुए हैं, आप भी यहां उपस्थित हैं, दो शब्द आपसे हम सुनेंगे कि मुख्यमंत्री क्यों आ रहे हैं और उनके आगमन से क्या होगा। दरअसल आज मिथिलांचल अपने आप को धन धन हो रहा है, कारण कि मुझे नहीं लग रहा है कि मधुबनी जिला में यह 600 अरब रुपया का विकास पुरुष माननीय नीतीश कुमार जी ने आकर खजौली विधानसभा में जयनगर कमला तट पर जो बैरेज का निर्माण होने जा रहा है, इससे पहले भी निरीक्षण में आए थे, लोग को लग रहा था कि इसी तरह नेता आते हैं और चले जाते हैं, बहुत तरह के बातें होते हैं, लेकिन आज कल जो उसका शिलान्यास होने वाला है, इससे लगता है कि बिहार सरकार के दिल में जो पब्लिक के प्रति विकास के प्रति जो जुनून है वो साक्षात कल जमीन पर उतरने वाला है। इस हेतु पूरे मिथिलांचल और जयनगर के तरफ से माँ कमला आरती सेवा समिति के कार्यकारी अध्यक्ष होने के नाते, भारतीय जनता पार्टी के प्रचारक होने के नाते, मैं हृदय की गहराई से बिहार सरकार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को अभिनंदन स्वागत के लिए सुबह से मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम है, आप भी सक्रिय नेता है जयनगर के लिए, तो क्या कहना चाहेंगे आप मुख्यमंत्री जी के आने से जयनगर के लिए क्या उपलब्धि है? क्या कहना है, जयनगर के आम आवाम के मिथिलांचल में जो मुख्यमंत्री जी कर दिए हैं वो सदैव याद रखेंगे, यहाँ के जो लोगों का के लिए जो कल्याण हुआ है, प्रलयकारी बाढ़ की त्रस्ती को देखते हुए जो उन्होंने बराज का निर्माण किए हैं जिसका शिलान्यास करने जा रहे हैं, सदैव याद करने के लिए मुख्यमंत्री जी का रहेगा यादगार। जयनगर के लिए एक वरदान साबित होगा। वरदान साबित होगा जी। थैंक यू सर। गाड़ी यहाँ नहीं आएगा मैडम, गाड़ी आएगा तो व्यवस्था भी कर जाएगा।